नमस्कार, मंतव्य न्यूज साथे हूं छु। अवनी समाचार में आगर बात करिए तो आपना सहयोग अरविंद केजरीवाल सुरती संबोधन करे आज सीधा जय श्रुत्या बने भी नहीं है। और आपने किसी की गाड़ी चोरी हो गई और उसके पास अपना वॉलंटियर भेजा और उसकी FIR दर्ज हो गई और फिर उसकी गाड़ी मिल गई आपने इसके लिए। इसी तरह से रात दिन 24 घंटे आपको जनता की सेवा में लगे रहना है और जो आपको आनंद जनता की सेवा करने से मिलेगा वो आनंद आपको और किसी चीज से नहीं मिल सकता। आप करके देखना है भाई, वैसे तो कर ही रहे हैं आप लोग। आप लोगों को जो ये वोट मिला वो इसी बात का मिला कि आप जनता के बीच में थे। लेकिन कई बार क्या होता है, जीतने के बाद मन में थोड़ा सा घमंड आ जाता है, आदमी का थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज भी बदल जाता है, आदमी का दूसरों से डील करने का तरीका बदल जाता है। ये मत होने देना, होता है, अपने आप होता है, इंसानी फितरत है। लेकिन ये मत होने देना, अपने अपने अंदर बार बार झांक के देखना पड़ता है। मुझे घमंड तो नहीं हो गया, मैं जनता से कैसे बात कर रहा हूँ? अगर जनता सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, जनता आपके पास काम लेके आती है, आप कोशिश करते हो, नहीं हो पाता, जनता माफ कर देती है। लेकिन जनता अगर आपके पास आती है और आप उसके साथ दुर्व्यवहार करते हो, वो जनता कभी बर्दाश्त नहीं करती, अपमान बर्दाश्त नहीं करती, अपमान बर्दाश्त नहीं करती। किसी का अपमान मत करना, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे इस जात का हो, चाहे उस जात, कैसा भी आदमी हो, जो आपके दफ्तर में आए और जो आपके घर में आए उसको बिठा के एक कप चाय जरूर पिला देना, उसका मान रखना। और वो एक आदमी आप देखना बाहर जाके बोलेगा कि मैं बीजेपी वाले के घर गया, उसने घुसने नहीं दिया, कुत्ते छोड़ दिए, मैं आम आदमी पार्टी वाले के घर गया, उसने मुझे घर में बिठा के चाय पिलाई। आजकल ये इज्जत देना ही बहुत बड़ी बात हो गई है राजनीति के अंदर। इज्जत कौन लेता, इज्जत देता आज की राजनीति के अंदर? कोई नहीं देता। तो एक चीज ये करनी है कि अब सबको अपना अपना दफ्तर खोलना है अपने अपने वार्ड में। अगर दफ्तर खोलने का नहीं हो पैसा तो अपने घर को दफ्तर बना लीजिए, घर के अंदर एक छोटी सी जगह रख लीजिए जहां पे आप मिलने के लिए लोगों से मिल सकें। और एक फोन नंबर ऐसा दे दीजिए जो कि फोन नंबर उठे, वो फोन नंबर आप पूरे वार्ड में सबके घर घर जाके बांट दीजिए कि कोई समस्या हो इस फोन पे फोन कीजिए, वो फोन नंबर उठना चाहिए। रात को 2 बजे भी अगर कोई आपके पास आए सहायता मांगने के लिए, आपको उसकी मदद करने के लिए निकल पड़ना। अगर आपने रात को 2 बजे एक आदमी की भी मदद कर दी, वो देखना पूरी दुनिया के अंदर आपका प्रचार करेगा कि कॉरपोरेटर हो तो ऐसा हो, पार्षद हो तो ऐसा हो, वरना नहीं हो। तो आपको एक मॉडल जैसा दिल्ली के अंदर वो 28 लोग जब जीते उसकी वजह से फिर 67 सीट आई, और 67 सीट जब आई तो 5 साल काम करने के बाद हमारी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, दूसरी बार जनता ने हमें 62 सीट दी। अब उस काम की वजह से पूरी दो देश के अंदर हम प्रचार कर रहे हैं। आप 27 लोगों के काम के बल पर हम पूरे गुजरात में जाके वोट मांगेंगे कि देखो ऐसा होना चाहिए। दूसरी चीज, हम 27 हैं, वो 93 हैं, लेकिन नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा एक एक आदमी 10-10 पे भारी पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आपको सूरत की जनता ने विपक्ष की भूमिका दी है, उनकी नानी याद दिला देना सदन के अंदर। एक भी गलत काम मत होने देना, एक भी गलत काम मत होने देना, उनको कोई गलत काम मत करने देना। पूरे गुजरात की जनता को पता चलना चाहिए कि सूरत के अंदर अब किस किस्म की राजनीति चल रही है। अब भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ गलत काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी का विपक्ष यहाँ पे आ गया है। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, तहे दिल से बधाई देता हूँ, और मैं वापस दिल्ली खूब ऊर्जा लेके जा रहा हूँ आप लोगों से। अभी थोड़ी देर में आपके साथ रोड शो में मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी ना राष्ट्रीय संयोजक अने दिल्ली ना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सूरत नी मुलाकाते छे, त्यारे खास करीने एरपोर्ट पर उतर्या बाद तेओ सर्किट हाउस गया हता, ने सर्किट हाउस बाद हवे तेओ सूरत ना मोटा वराछा खाते जे गुजरातना महामंत्री संगठन मंत्री मनोज सोरठिया छे तेमना घरे आवी रह्या छे। मोटा वराछा द्वारकेश नगरीय सोसायटी छे, त्यां अत्यारे तेओ आव्या छे, જોઈ શકાય છે। અત્યારે અરવિંદ કેજરીવાલ નો જે કોન્વે જે છે તે મોટા વરાછા ખાતે આવી ચૂક્યો છે, અને આમ આદમી પાર્ટીના જે કાર્યકર્તાઓ છે તે તમામ લોકો અત્યારે અહીં આવ્યા છે, અરવિંદ કેજરીવાલને જોઈ શકે છે।
अभिवादन पण झीली रह्या छे। मोटा वराछा खाते जे गुजरात संगठन मंत्री मनोज सोरठिया छे तेमना निवासस्थाने आव्यो छे, त्यां जे 27 जेटला कोर्पोरेटरो जे नवा चूंटाईने आव्या छे तेओने साथे मीटिंग करवामां आवशे, तेओने आगामी रणनीति समजाववामां आवशे तेवुं हाल जाणवा मळ्युं छे। साथे साथे तमाम जे कोर्पोरेटरो छे ते विरोध पक्षमां कई रीते पोतानो मजबूत खास करीने पक्ष राखी शके, विरोध पक्ष कई रीते मजबूत बनी शके तेनी रणनीति पण शीखवामां आवशे। अने मनोज सोरठियाना निवासस्थाने ज ते तेओने કાઠિયાવાડી ભોજન પણ કરવામાં આવશે, અને ત્યારબાદ 3 વાગે અહીંથી તેઓ માનગઢ ચોક ખાતે જશે અને ત્યાંથી રેલીનું એટલે રોડ શોનું પ્રસ્થાન કરાવશે। કેમેરામેન હેમંત વાડસુર સાથે ધ્રુવ સોમપુરા, મંતવ્ય ન્યૂઝ, સુરત।